हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको? वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था, उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उचित है दुर्योधन, तुम इंद्रप्रस्थ रख सकते हो, उसकी सेना भी रख लो, अस्त्र शस्त्र रख लो, लाखों गाय अश्व, उसकी प्रजा भी रख लो, कोटि कोटि धन संपत्ति, जो कुछ भी पांडवों ने अपने परिश्रम से अर्जित किया था वो सब रख लो दुर्योधन। परंतु इस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप केवल एक कार्य कर दो। प्रतीक के रूप पांचों पांडवों को पांच गांव दे दो। इतना तो दे ही सकते हो दुर्योधन। पांचों पांडव वहां सुख से निवास करें और कुछ नहीं चाहेंगे। इस युद्ध को टालने के लिए केवल पांच गांव देना स्वीकार है तुम्हें? वासुदेव, यदि दुर्योधन पांच गांव दे देता है तो क्या आप वचन देंगे कि पांडव इंद्रप्रस्थ की चाह में आक्रमण की चेष्टा नहीं करेंगे? हाँ गांधार नरेश, मैं वचन देता हूं कि इस स्थिति में पांडवों की ओर से कोई आक्रमण नहीं होगा, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। कह दो दुर्योधन, इससे अच्छा प्रस्ताव कोई नहीं होगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, यही अवसर है, अंतिम अवसर। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको यहीं रोक दीजिए। ताक्षी का कहना उचित है पुत्र, हाँ कर दो, इसी में सबका हित है। मित्र, मैंने सदा इस युद्ध का पक्ष लिया है। मैंने सदा अर्जुन से अपना अधूरा द्वंद पूर्ण करना चाहा। मैं अपना अधूरा द्वंद कभी और पूर्ण कर लूंगा।
इस समय पूरे भारतवर्ष को महाविनाश से बचाने की आवश्यकता है। हाँ कह दो मित्र। तुमने तो एक अनजान का मान रखने के लिए उसे अंगराज बना दिया, तो लाखों के प्राणों को बचाने के लिए पांच गांव दे दो मित्र। देख रहे हैं वासुदेव, मेरे मित्र अंगराज मेरे साथ है। और आपको तो अच्छे से ज्ञात है कि कर्ण को अंगराज मैंने बनाया, उसे वो दिया है मैंने जो पांडव नहीं दे पाए, ना पांडव ना पितामह। और ये मेरा वचन है, यदि मेरा मित्र मुझसे प्राण भी मांगेगा तो वो भी मैं प्रसन्नता से दे दूंगा। परंतु ऐसा सोचना भी मत कि मैं उन पांडवों को कुछ भी देने वाला हूं। पता है बचपन से मुझे यही आभास कराया गया है कि मेरा किसी भी वस्तु में कोई अधिकार नहीं, ना अपने पिता के राज्य पर, ना सिंहासन पर। जो भी मिले या तो दे दो या उन पांडवों के साथ में बांट लो। और तुम अधिकार की बात करते हो वासुदेव, तो बताओ मुझे, मेरा अधिकार उन पांडवों ने मुझे कब दिया, कब? गुरु का प्रेम, महामहिम का वत्सल्य किसी को मिला तो वो उन पांडवों को, मुझे नहीं। मेरे पिता के राजा होने पर युवराज पद पर किसी का अधिकार था तो वो मेरा था, परंतु मुझे नहीं मिला। वो मिला उस युधिष्ठिर को। दुर्योधन की बात तर्क सम्मत है वासुदेव, युवराज राजा का पुत्र ही बनता है और यही नीति है। आप तो कभी वास्तविक राजा थे ही नहीं महाराज, आप तो आज भी हस्तिनापुर के केवल कार्यकारी नरेश। आपका राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ। और रही बात नीति की, तो कुल वधू का वस्त्र हरण, उसका अपमान कहां की नीति है? पांडवों का पक्ष लेना बंद करो ग्वाले। मैंने उस द्रौपदी को धर्म पूर्वक द्यूत में जीतकर उसे अपनी दासी बनाया, उसका वस्त्र हरण करना मेरा अधिकार था, क्योंकि जो दासी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना करे वो दंड की अधिकारिणी होती है। नारी केवल सम्मान की अधिकारिणी है दुर्योधन। हाँ। दूत बनकर आए हो, अपना संदेश दे चुके हो, अब मेरा निर्णय सुनो। मैं उन पांडवों को पांच गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा संदेश
भली भांति समझ लिया है युवराज, अब वही होगा जो तुम चाहते हो दुर्योधन। अब महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। प्रणिपात रुकिए केशव। मित्र एक बार और विचार कर लो। अरे मित्र, राजा बलि की कथा स्मरण है तुम्हें? वो मायावी वामन उनसे उनसे तीन पग मांगने आया था। तीन पग भूमि, और उस तीन पग में उस वामन ने न केवल तीनों लोकनाप लिए बल्कि उस बलि का नाश भी कर दिया। अरे इस शलिया को पांच गांव दे दूंगा तो यह हस्तिनापुर का अस्तित्व ही मिटा देगा। अखंडे कृष्ण, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का प्रभाव इन पर पड़ सकता है, दुर्योधन पर नहीं। तो फिर मैं प्रस्थान करता हूं। रुको दूत, मैंने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी है अभी। सब तुम्हारी माया से भयभीत हैं कृष्ण। आज मैं अपनी प्रजा और अपनी सेना के मन से तेरा भय मिटा दूंगा कृष्ण। तुम हस्तिनापुर से बाहर नहीं जाओगे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, तुम्हें अभी और इसी क्षण बंदी बनाता हूं वासुदेव। बंदी बनाओ इस छलिए को। अपने पुत्र को सीमा में रहने का अर्थ सिखाइए महाराज। ये अनर्थ करने जा रहा है। महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। वासुदेव कृष्ण केवल हस्तिनापुर के संबंधी नहीं, इस समय वे एक शांति दूत हैं। और इस बात का स्मरण रहे महाराज, एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। आचार्य ठीक कह रहे हैं पुत्र, ऐसा अनर्थ मत करो। रावण ने भी यही मूर्खता की थी, उसने भी दूत का अपमान किया था और उसके सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। रावण मूर्ख था,
जो सामान्य रस्सी से हनुमान को बांधने चला था, परंतु मैंने इस विशेष दूत के लिए एक विशेष धातु की श्रृंखला बनवाई है। कुछ नहीं कहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे और दुर्योधन के मध्य में ना आए और साक्षी बने इस क्षण के, इसे भान नहीं किए क्या कर रहा है, जिसके जन्म के पश्चात जिसे बंदी ग्रह की बेड़िया ना बांध सके, सैनिकों का पहरा ना रोक पाए, आज तुम उसे बांधने चले हो दुर्योधन। सामर्थ्य है तुम में तो बढ़ो आगे, हो सके तो साधो मुझे दुर्योधन, अपने इन श्रृंखलाओं में बांधने का प्रयास करो। उठो उस तेरे को, लगता है कि यह धातु श्रृंखला मुझे बांधने के लिए पर्याप्त है दुर्योधन? जब तक अनंत आकाश को बांधने में सक्षम श्रृंखला तुम्हारे पास ना हो, तब तक ऐसी मूर्खता पुनः करने का प्रयत्न मत करना दुर्योधन। ये छल, ये माया, यही है ना तुम्हारे अस्त्र छल ये? परंतु मुझे तुमसे या तुम्हारे इस माया से डर नहीं लगता। हर लूंगा मैं तुम्हारे और उन पांडवों के प्राण। स्मरण रखना कि इस महायुद्ध में अंत करेगा तुम्हारा और उन पांडवों का यह दुर्योधन, जो स्वयं मृत्यु के शिखर से गिरने वाला हो,
उसे अपने अंत की चिंता करनी चाहिए मूर्ख दुर्योधन। जिस सत्य को, जिस भविष्य को मैं टालना चाहता था, उसे आज तुमने स्वयं आमंत्रण दे दिया। और सत्य ये कि इस महायुद्ध के अंत में तुम्हारा, तुम्हारे पापों और तुम्हारे पाप में भागीदार रहे प्रत्येक का अंत होगा ये युद्ध। मेरे राज्य में, मेरे ही सभा में आके मुझे धमकी देता है छलिए। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सभा, इस राजसभा के समक्ष कितना सा आकार है तुम्हारा दुर्योधन, और हस्तिनापुर के समक्ष कितनी सी है यह सभा, और इस पृथ्वी के सामने कितना सा है हस्तिनापुर, और इस ब्रह्मांड में क्या स्थान रखती है ये पृथ्वी। यदि मनुष्य का अभिमान और दम उसके आकार से अधिक बड़ा हो जाए तो वही मनुष्य को स्वयं अपने बोझ से मार डालता है, और तुम्हारे अंत का कारण भी यही अभिमान होगा दुर्योधन, और तुम्हारा अंत भी तुम्हारे इसी अभिमान से होगा दुर्योधन।